हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं ड्राई स्किन के लिए। आई एम अ क्लासिक ड्राई स्किन पर्सन, मेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं और जिनको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ या फिर एटलीस्ट मेरे पास स्टॉक में हमेशा रहते हैं। सो आई जस्ट स्टार्ट विद द क्लेंजर्स। तो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो क्लेंजर्स हैं वो है, सबसे पहला है सेटफिल, द बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। आई नो काफ़ी लोगों के वेरिंग ओपिनियंस है इसके बारे में विद रिगार्ड्स टू द पैराबेंस एंड ऑल। पर्सनली मुझे रेकमेंड किया था मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने और मेरी स्किन को बहुत अच्छे से ये सूट करता है। आई इनफैक्ट हैड अ कपल ऑफ रैशेस ये यूज़ करने से पहले, एंड व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस इसके साथ रैशेस भी चले गए, एंड ओवरऑल इट जस्ट वर्क्स वंडर्स फॉर माई स्किन। सो एनीबडी हु हैज़ ड्राई स्किन आई विल रेकमेंड दिस। इसके ऊपर रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। हाईली हाईली रेकमेंड दिस। नेक्स्ट जो है वो है मेडमिक्स का है ये, दिस इज़ दी एंटी टैन फेस वॉश विथ तनुका। ये नॉर्मल है, दिस इज़ आई थिंक 60 रुपीज़ का ये आता है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मैं ये रेकमेंड करती हूँ। काफ़ी जेंटल है और काफ़ी आयुर्वेदिक टाइप के इन्ग्रीडियंट्स इसमें हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो तनाका है, फिर एलोवेरा है इसमें, यष्टि मधु है। तो ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। एंटी टैन भी है और काफ़ी जेंटल भी है आपकी स्किन पे, एंड फॉर ड्राई स्किन आई थिंक जेंटलनेस एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई सेकेंड रिकमेंडेशंस व्हेन इट कम्स टू अ गुड क्लेंजर। इसके बाद जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लेंजर। ये थोड़ा बजट से थोड़ा ज़्यादा बाहर हो सकता है बिकॉज दिस इज़ स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट वंस अगेन विल वर्क रियली वेल, एस्पेशली जब मैं डबल क्लेंजिंग से मेकअप निकालती हूँ। तो मेकअप के बाद मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये क्लेंजर मैं यूज़ करती हूँ फोमिंग के लिए, क्योंकि सेटोफिल जो है ना वो थोड़ा जेंटल है। सो अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं या फिर सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तभी के लिए दिस माइट वर्क रियली रियली वेल। और ओवरऑल आई थिंक ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तो आपके बजट के हिसाब से आप देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा लेना है। सो आई थिंक आई विल रैप माई क्लेंजर्स अप बिकॉज राइट नाउ दीज आर द वंस दैट आई फील लाइक रेकमेंडिंग आउट देयर। नेक्स्ट मैं आती हूँ क्रीम्स में। अब क्रीम्स में आई हैव द मोस्ट वराइटी, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है और दे जस्ट वर्क रियली वेल फॉर मी एट डिफरेंट पॉइंट्स। क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको पता है कि डिफरेंट डेज पे आपकी ड्राई स्किन डिफरेंटली बिहेव करती है। मैं स्टार्ट करूँगी मेरे सबसे फेवरेट और सबसे इफ़ेक्टिव जो क्रीम मुझे आज तक लगा है मेरी स्किन के लिए, वो है बायोडर्मा एटोडर्म इंटेंसिव बाम। काफ़ी हैवी है, तो अगर आपकी स्किन क्रॉनिकली ड्राई है, आपको एक्जिमा टाइप भी अगर आपको लग रहा है, स्किन की कोई इन्फेक्शन लग रही है और स्केली है या फिर फ्लेक्स निकल रहे हैं आपकी स्किन में से, तो दिस इज़ लाइक द होली ग्रेल प्रोडक्ट। इसको आप ट्राई करें, आपको फ़र्क पड़ेगा। एक्सपेंसिव है लेकिन अगर आप एक चीज़ लेना चाहते हैं ना आपकी स्किन के लिए तो ये है। अगर मैं आइलैंड पे हूँ किसी और मेरे पास कोई और चीज़ नहीं और मुझे ऑप्शन दिया जाए कि एक क्रीम ले जाओ, मैं यही लेके जाऊँगी, क्योंकि इसके बिना मेरी स्किन केयर कम्प्लीटली इनकम्प्लीट है। आई लव दिस एंड आई विल रेकमेंड दिस एवरी सिंगल टाइम। इसके साथ ही सेटोफिल का ही क्रीम है जो मेरे पास एक्चुअली ख़त्म हो गया है, इसलिए मेरे पास अभी नहीं है, वो भी इक्वली अच्छा है। ये थोड़ा गाढ़ा है, सेटोफिल इज़ ऑल्सो इक्वली गुड। एक्चुअली सेटोफिल का क्लेंजर और वो क्रीम मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था, लेकिन ओवरऑल आई फाउंड दिस जब मैं फ्रांस गई थी और फिर आई ट्राइड इट एंड आई लव्ड इट, तभी से आई जस्ट have this with me all the time. So this is the first one. अगर आपको थोड़ा इससे cost effective चाहिए
तो दिस इज़ नरिश ओट. ये वो खाट का प्रोडक्ट है, इसमें ओट्स है. ड्राई स्किन के लिए ओट्स से ज़्यादा बेहतर एक इंग्रेडिएंट नहीं है आपकी स्किन के लिए, बिकॉज ओट्स जो है वो आपकी स्किन में जो वो एक हाइड्रेशन लेवल होती है उसको पकड़ के रखते हैं और काफ़ी स्मूथ बनाते हैं. इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी गुड, वर्क्स इक्वली वेल. ये आई थिंक 450 का है, वेर इज़ दिस कम्स एट अराउंड 800-900, तो काफ़ी डिफरेंस है. ये नहीं मिल रहा तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं. इक्वली गुड at a lesser cost but works really really well. So ये और एक recommendation है. तीसरा मेरे पास है, अगर आप day के लिए ये especially मैं recommend करूँगी आपको, this is the body shop का vitamin E cream. इसमें से काफ़ी products आप बहुत देख चुके होंगे, मेरे previous videos में भी मैंने इन्हें काफ़ी recommend किया है. Again इस पर भी full review है. This has hyaluronic acid in it, जो in itself बहुत अच्छा होता है skin पे. इसमें aloe vera भी है, so this is very good coupled with vitamin E. इसे मैं use करती हूँ every morning मेरे makeup से पहले. मैं primer नहीं use करती, मैं primer की जगह पे ये use करती हूँ. अगर आपको लग रहा है इसमें से आपको सबसे बेस्ट ये लग रहा है, तो यही आप सुबह शाम भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है. सिर्फ महंगा है, इसकी वजह से मैं बाकी भी ऑप्शंस आपको दे के रखती हूँ, बट आई लव इट. ये शायद मेरी 6th या 7th बॉटल है, बिकॉज एवरी मॉर्निंग मैं इसे यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड वन फॉर ड्राई स्किन, आई हाईली रिकमेंड इट. थोड़ा और बजट में अगर मैं बताऊँ तो एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल जैसा इंग्रेडिएंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल स्किन केयर. अगर आप और कुछ नहीं ले सकते, एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए. यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से काम करता है. सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले जब मेरा फेस वॉश करती हूँ सेटाफिल से, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल. इसको मैं लगा के रखती हूँ अपने फेस पे अराउंड 30 मिनट, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ. एंड ओवरऑल एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर यू. आप इसको नॉर्मली यूज़ करें, किसी फेक फेस पैक में आप डाल के यूज़ करें, ये इक्वली इफ़ेक्टिव होगा. इसके आइस क्यूब्स भी आप बना के रख सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पोर्स के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन ड्राई स्किन के लिए ओवरऑल एलोवेरा वर्क्स रियली वेल. सो नेक्स्ट इज़, ये थोड़ा अगेन एक्सपेंसिव साइड पर जाएगा, दिस इज़ चिया सीड्स हाइड्रेटिंग इमल्शन. फेस शॉप के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. कोरियन स्किन केयर का ये पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. मैंने इस पर रिव्यू नहीं किया, थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत बहुत अच्छा है. ये देखिए रनी है ये. अगर आपको आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े हाइड्रेटिंग पसंद है और प्रॉपर वो चिप 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 वाली फीलिंग आपको अच्छी लगती है, देन दिस इज़ वेरी वेरी गुड. ऑन डेज मुझे जब लग रहा है कि भाई यू नो आई नीड समथिंग दैट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग, लेकिन मुझे फेस मास्क नहीं लगाना, लाइक वो कोरियन टाइप का होता है ना, दैट वन, आई डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ये भी डे टाइम के लिए भी ये बहुत अच्छा है. ये लगा के आप 10-15 मिनट छोड़ दें, एंड इसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन भी लगाएंगे तो एक वो ड्यूई जो फिनिश आती है ना फाउंडेशन की, वो इससे बहुत अच्छी आएगी. अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन. और यू नो आफ्टर यू यूज़ दिस आई थिंक आपकी प्रॉब्लम इवेंचुअली चली जानी चाहिए, अगर आपकी क्रॉनिक ड्राई स्किन नहीं हो. अगेन यू कैन पिक आइदर वन ऑफ दिस. मैं बस आपको ऑप्शंस दे रही हूँ जो मेरे पास है, जो मैंने यूज़ किए हैं. तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू माय मॉइस्चराइजर्स. कमिंग टू अ सीरम, आई विल शो यू सम सीरम्स दैट आई रियली लाइक. सबसे पहला है मेरे पास, ये डे टाइम के लिए है. अगेन दिस इज़ द बॉडी शॉप का ड्रॉप्स ऑफ लाइट सीरम. बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसके ऊपर भी आप मेकअप कर सकते हैं. हल्का सा सीरम है बट देन इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, और लगाने के बाद चिपचिपा नहीं लगता, क्योंकि मॉर्निंग में ड्राई स्किन के लिए थोड़ा मेकअप भी चैलेंजिंग होता है. आई यूज़ दिस
इसको मैं फिर 15 मिनट रख देती हूँ. उसके बाद आई यूज़ आइदर अ फाउंडेशन या फिर टिंटेड मॉइस्चराइज़र, या मैं यूज़ करती हूँ विटामिन ई. आइदर और होता है मेरे लिए डिपेंडिंग ऑन हाउ माई स्किन इज़ फीलिंग. वेरी लाइट वेट, थोड़ा महंगा है, 2000 की रेंज में है. ऑलमोस्ट क्लियर है ये, बट वर्क्स वेरी वेल. सो दिस इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन. सेकेंड रिकमेंडेशन मैं आपको देती हूँ, ये है चिया सीड्स का फेस शॉप का अगेन मॉइस्चर रिचार्ज सीरम. अगेन सुपर हाइड्रेटिंग. अगर आपको ऐसी चिप 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 वाली चाहिए, वो कोरियन टाइप की आपको ग्लास स्किन चाहिए ना, तो दिस कम्बाइंड विद दिस एंड यू विल हैव दैट स्किन. लेकिन सबको वो पसंद नहीं होती, इसलिए फिर वराइटीज़ आई हैव टू शो. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. प्रॉपर हाइड्रेटिंग है, प्रॉपर नरिशिंग है एंड अ वेरी गुड ऑप्शन. डे टाइम के लिए थोड़ा चिपचिपा है, इसलिए डे टाइम के लिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस. नाइट टाइम के लिए दिस विल वर्क वेरी गुड. इसमें चिया सीड्स हैं और चिया सीड्स हाइड्रेशन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए फॉर ड्राई स्किन आँख बंद करके दिस इज़ अ वेरी गुड रिकमेंडेशन. नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ, ये सबसे ज़्यादा महंगा है लेकिन ड्राई स्किन के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड सीरम. मैं और क्या बोलूँ आपको, मिनट ये मेरे को खोलने दो. हाँ, दिस इज़ एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर सीरम. ओवर द टॉप महंगा है ये, 6400 का सीरम है. इसकी छोटी वराइटीज़ भी आती हैं. सबसे छोटा जो इसका वेरिएंट है वो आता है आई थिंक 900 रुपीज़ का आता है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी आपको इसकी लिंक्स दे दूँगी, जहाँ से मैंने खरीदे हैं उसकी ही लिंक्स मैं आपको दे दूँगी, सो यू विल गेट द राइट प्रोडक्ट. एंड दिस इज़ समथिंग आई यूज़ डेली मेरी स्किन केयर रूटीन में, इस्पेशली तभी जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मुझे ड्राई लग रही है एंड आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ समथिंग वेरी चिपचिपा, क्योंकि ये चिपचिपा नहीं है तो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब जल्दी से हो जाता है. हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, इनफ सेड. लाइक ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाइलुरोनिक एसिड करता क्या है, आपकी स्किन में मॉइस्चर जो होता है उसको रिटेन करके रखता है. मॉइस्चर रिटेन नहीं होता, इसकी वजह से ड्राई स्किन होती है. सो दिस इज़ वेरी गुड. मार्केट में हाइलुरोनिक एसिड के और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये. एस्पेशली अगर आप 30 प्लस है ना, यूज़ दिस. ट्रस्ट मी, महंगा है लेकिन सीरम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, नथिंग लाइक इट. सीरम ऐसा होता है जो आपकी स्किन के बहुत डीप लेयर्स तक जाके हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए डेफिनेटली ट्राई दिस आउट इफ़ यू हैव द बजट. फाइन लाइन्स के लिए, व्रिंकल्स के लिए एस्पेशली, 30-35 प्लस के लिए दिस वर्क्स रियली वेल एंड दिस इज़ डेफिनेटली माई मोस्ट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू सीरम्स. So these are overall the serums when it comes to dry skin. Next मैं अगर आपको बताऊँ तो I will come to a face mask. Face mask आप normal काफ़ी मिलते हैं आजकल market में. In terms of my favorites, this is Body Shop Mediterranean Almond Milk with Oats. Again इसमें oats है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ओट्स एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ड्राई स्किन के लिए अलॉन्ग विथ मिल्क, आलमंड मिल्क. तो इसमें दोनों चीज़ें हैं. ये महंगा है, 1800 का है. इफ़ यू हैव द बजट ट्राई इट, नहीं तो आई हैव सम अदर ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़. वेरी वेरी गुड. आप इसको हफ्ते में दो बार लगा सकते हैं एंड इट यू विल रियली सी द डिफरेंस, क्योंकि आप निकालेंगे ना ये फेस मास्क, यू विल एक्चुअली हैव दैट सपल एक फीलिंग आएगी आपको स्किन में. वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड. सेकेंड इज दिस, ये है लोटस हर्बल्स का फ्रूजुविनेट स्किन परफेक्टिंग रेजुविनेटिंग फेस पैक्स. ये ड्राई स्किन के साथ बाकी सारे लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई हैव ड्राई सेंसिटिव स्किन. तो क्या होता है, काफ़ी टाइम फेस पैक्स होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स से टिंगलिंग टाइप फीलिंग आती है, इसीलिए जस्ट टू बी वेरी केयरफुल आई रियली रियली लाइक दिस. आई थिंक ये मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ,
चार पांच साल तो कहीं हो नहीं गए. आई ऑलवेज टॉक दिस अप क्योंकि दिस रियली वर्क्स. और फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, एंड व्हेन यू हैव लाइक फ्रूट इंग्रेडिएंट्स इट वर्क्स रियली वेल. इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको बताऊं तो आई डोंट नो लिस्ट है. अनानास है इसमें, कैस्टर ऑयल है इसमें, इसमें लेमन है, कैरेट जूस है, एप्पल ग्रेप जूस है. सो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है. आई रियली रियली लाइक इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद एक और है, ये है मात्रा का फ्रेंच रोज़ क्ले पैक. दिस इज़ द वन. ये ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है, बट मेरी स्किन के लिए दिस वर्कड ब्यूटिफुली वेल. आपको चेहरे में फ़र्क दिखेगा वंस यू यूज़ दिस. दिस इज़ अराउंड 400 का है, पैराबेन फ्री है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा महंगा है. एनिमल्स पे भी टेस्ट ये नहीं किया हुआ. इसमें केओलिन है, ग्लिसरीन है, चाइना क्ले है, एलोवेरा है, बेंजोनिक क्ले है, फ्रेंच रोज़ क्ले, होहोबा ऑयल एंड रोज़ पाउडर, विटामिन सी, विटामिन ई. तो काफ़ी अच्छे इसमें इन्ग्रीडियंट्स हैं. अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट और बजट में है. आई थिंक मैंने तीनों टाइप के बजट्स की आपको इन्ग्रीडियंट्स बता दिए हैं. ओवरऑल देयर इज वन मोर दैट आई टेल यू अबाउट. वन सेकेंड, दिस इज अ फेस शॉप का मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क. दिस इज द सोल्यूशन. ये वन टाइम यूज वाले होते हैं, टिश्यू टाइप ये आते हैं, एंड यू हैव एंटायर सीरम टाइप इनका फिलिंग होता है. वेरी हाइड्रेटिंग फॉर ड्राई स्किन. आई थिंक ये 100 rupees एक के होते हैं, काफ़ी सारे कंपनीज बनाते हैं. यूज़ दिस वंस अ वीक, काफ़ी अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए क्योंकि वो हाइड्रेशन जो चाहिए होता है वो बहुत ज़रूरी होता है स्किन पे. एंड यूजिंग अ मास्क लाइक दिस बिकम्स वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू ड्राई स्किन. सो दिस वॉज द लास्ट वन अमंगस्ट ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव. Everything is equally good. Budget के हिसाब से मैंने आपको varieties दी है. आपके budget को जो suit करे आप वो लीजिए, वो effective होगा. अगर इन सब में से मुझे pick करना है specifically कि मैं कौन सा pick करूँगी regular use के लिए, तो when it comes to cleanser, definitely Cetaphil is my pick. When it comes to moisturizers, Bioderma. When it comes to serums, this one, Estee Lauder ka. And when it comes to face packs, I will take two because one is this and second is this. So I guess that's it from me for this video. I know काफ़ी time से मुझे ये request हो रहा है कि ये मैं film करूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ मैं करूँगी but some reason I keep delaying it. I am very very sorry for the delay. So hopefully आपको ये video पसंद आया होगा. इसमें से कोई भी product के ऊपर अगर आपको कोई भी questions हैं तो मुझे नीचे comments में पूछना ना भूलें. And yes, that's it from me for this video. मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.